हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका गैतोड़ी फ्रॉम पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता। दिस वीडियो फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का आपका टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो बच्चों, आज हम गति के नियम सीखेंगे। गति के नियम हमें साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने दिए थे। इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें इनका पहला नियम में इन्होंने बताया था कि वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब रुकी हुई अवस्था में है, तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक हम उस पर अपनी तरफ से कोई बाह्य बल ना लगाएं। और इसी तरह अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो वह तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक हम उस पर अपनी तरफ से कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोके ना। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इनका कि अगर कोई वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा अपनी सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य ना करे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर फुटबॉल है, अगर फुटबॉल रुकी हुई अवस्था में है, तो वह तब तक विरामावस्था में, मतलब तब तक रुकी रहेगी जब हम उस पर अपने पैरों से किक ना करें। और पैरों के द्वारा किक करने पर, जैसे ही हमने किक कर पैरों से किक किया और उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो बॉल क्या होगी, लुढ़कती हुई आगे चली जाएगी। तो ये है गति का पहला नियम। इसी तरह अगर कोई चलती हुई बाइक या कार है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर ब्रेक लगाते हैं, और जब तक हम उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे, कार या बाइक नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब यह है कि कार या बाइक को रोकने के लिए उसे क्या हुई, एक बाह्य बल की आवश्यकता हुई। तो यह कहता है गति का पहला नियम कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा सरल रेखा में एक समान गति से चल रही है, तो उसे किसी बाह्य बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो गति के प्रथम नियम के अंतर्गत हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम द्रव्यमान, दूसरा पढ़ेंगे हम जड़त्व। देखिए बच्चों, हमने क्या कहा, गति के प्रथम नियम के अंतर्गत हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला द्रव्यमान, दूसरा जड़त्व। तो द्रव्यमान क्या होता है, नॉर्मली आप लोग क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु का जो वजन होता है या फिर उसका भार होता है, वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान। और इसी तरीके से आपका जड़त्व क्या होता है कि किसी वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अब दोबारा से आ जाइए द्रव्यमान में। हमने जनरली क्या यूज़ किया कि किसी वस्तु का वजन या फिर भार क्या कहला रहा है, द्रव्यमान। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आप इसे द्रव्यमान की डेफिनेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में द्रव्यमान की डेफिनेशन क्या होती है, इस जड़त्व की माप क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अगर आपके एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाएगा कि द्रव्यमान की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु का वजन या उसका भार द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन अगर आपसे फिजिक्स की लैंग्वेज में पूछा जाए, आपके फिजिक्स के पेपर में आता है द्रव्यमान किसे कहते हैं, और उसके साथ कोई न्यूमेरिकल ऐड होके आता है, तो आप उसे हमेशा कहेंगे कि जड़त्व की माप द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, और फिजिक्स में ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, इसको पहचानने का आसान सा तरीका होता है कि जब भी आपसे फिजिक्स में द्रव्यमान पूछा जाएगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर होगा। ठीक है, तो अगर आपसे द्रव्यमान पूछा, तो आप कहेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक हो गया, और जड़त्व को हमने अभी बताया आपको, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। मीन्स अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही बने रहना चाहती है, और यदि वह गतिशील अवस्था में है, तो वह गतिशील अवस्था में ही बने रहना चाहती है। वह अपने परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, और उसका यह गुण कहलाता है जड़त्व। अब आते हैं जड़त्व के प्रकार। जड़त्व 3 तरह के होते हैं, पहला विरामावस्था का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, और तीसरा होता है आपका दिशा का जड़त्व। तो हम इन तीनों प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है विरामावस्था का जड़त्व। ये क्या होता है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है और वह अपनी कोई जगह चेंज नहीं करती है, तो वह कौन सा जड़त्व है, उसमें विरामावस्था का जड़त्व
है, ठीक है। इसी तरह गति का जड़त्व क्या होता है, जब कोई वस्तु गति कर रही है और वह जिस गुण के कारण गति कर रही है वो कहलाएगा गति का जड़त्व, ठीक है। और इसी तरीके से आपका आता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी दिशा बदलती है तो जिस गुण के कारण वह अपनी दिशा बदलती है उसे कहते हैं हम दिशा का जड़त्व, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे विराम अवस्था का जड़त्व क्या है, गति का जड़त्व क्या है और दिशा का जड़त्व क्या है, ठीक है बच्चों। और यह था आपका द्रव्यमान और जड़त्व। अब आप पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। देखिए बच्चों आपका क्या है, गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होती है, वह कहलाता है गति का द्वितीय नियम। दोबारा से सुन लीजिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में ही होती है। तो हमने क्या कहा, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे संवेग परिवर्तन, उससे पहले समझेंगे संवेग परिवर्तन परिवर्तन और उससे पहले समझेंगे संवेग। तो तीन चीजें हैं, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन और संवेग। तो सबसे पहले बात आती है कि संवेग क्या होता है। संवेग को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान और वह वस्तु जिस वेग से गति कर रही है उसके गुणनफल को बोला जाता है संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग, यानी P बराबर एम वी। आप इसको लिख सकते हैं P बराबर एम वी। अब आता है संवेग परिवर्तन क्या होता है। संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन होता है बच्चों अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक प्रारंभिक संवेग, ठीक है। इसको आप इस तरीके से डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु, ये वस्तु बिंदु ए पर रखी हुई है, कौन से बिंदु पर रखी है, बिंदु ए पर। इस वस्तु का द्रव्यमान आपने मान लिया m है, कितना है m है, और इसकी जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है u है, इसका प्रारंभिक वेग u है, और यह कुछ समय के पश्चात गति करती हुई बिंदु b पर पहुंचती है, कौन से बिंदु पर पहुंचती है, बिंदु b पर। तो इसका द्रव्यमान सेम रहेगा परंतु इसका वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, कितना हो जाएगा v। तो इस पर इसके दो संवेग होंगे, एक प्रारंभिक संवेग और एक अंतिम संवेग। इसके प्रारंभिक संवेग को हम प्रदर्शित करेंगे पी आई से, किससे, पी आई से। आई का मतलब हो गया इनिशियल यानी प्रारंभिक। अब हमने कहा संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान कितना है एम और वेग कितना है यू। तो प्रारंभिक संवेग निकल गया हमारा एम यू, ऐसे ही आपका आता है अंतिम संवेग। अंतिम संवेग को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एफ से, पी एफ यानी फाइनल यानी अंतिम। अंतिम संवेग बराबर सेम फॉर्मूला द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान कितना है m और वेग कितना है v। तो हमारे पास दोनों निकल गए, प्रारंभिक संवेग भी निकल गया और अंतिम संवेग भी निकल गया। उसको यहाँ पे रख दीजिए, अंतिम संवेग को हमने रिप्रेजेंट किया p f से माइनस प्रारंभिक संवेग को हमने रिप्रेजेंट किया p i से। दोनों की वैल्यूज रखिए, p f हो जाएगा आपका m v माइनस p i है आपका m u, ठीक हो गया बच्चों। तो अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, यह है आपका संवेग परिवर्तन, इन दोनों में से देखिए m कॉमन है, तो हमने m कॉमन ले लिया, क्या आ गया हमारे बचा हमारे पास v माइनस u। तो ये निकल गया आपका संवेग परिवर्तन। अब हम निकालेंगे संवेग परिवर्तन की दर। देखिए बच्चों हमने क्या कहा, अब हमें निकालनी है संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर हम कैसे निकालेंगे, हम संवेग परिवर्तन को समय से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारी संवेग परिवर्तन की दर निकल के आ जाएगी। मीन्स हम संवेग परिवर्तन समय के सापेक्ष निकालते हैं, तो हमारी निकल के आती है संवेग परिवर्तन की दर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब आ जाइए गति के द्वितीय नियम में। गति का द्वितीय नियम क्या कहा था मैंने आपसे बच्चों, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। तो इस संवेग परिवर्तन की दर को हम किसके समानुपाती कर देंगे, बल एफ के समानुपाती कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे होगा,
तो देखिए बच्चों, हमने क्या कहा, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती है। बल हमने लिया F, F प्रोपोर्शनल हो गया एम वी माइनस यू अपॉन टी। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया हमने, इक्वल लगाया और यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट टर्म जुड़ गया के एम वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ के क्या है, इकाई बल है और इसका मान कितना होता है, एक होता है। इकाई, इकाई का मतलब कितना हो गया, एक। अब हमारे पास यहाँ आप ध्यान से देखेंगे v माइनस यू अपॉन टी यानी वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बच्चों, त्वरण। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी इक्वल a, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, f इक्वल k का k रहा, m का m रहा, v माइनस यू अपॉन टी की जगह में हो गया a। तो आपकी इक्वेशन हो गई f इक्वल k m a। अब यदि हम क्या कर रहे हैं, इफ k इक्वल कितना लें, 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, f बराबर m a। यह है आपका गति का द्वितीय नियम, ठीक है। तो यह आपका गति का द्वितीय नियम निकला। अब आप सीखेंगे गति का तृतीय नियम। देखिए बच्चों, हमने क्या कहा, गति का तीसरा नियम। तो गति के तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या होता है गति क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। क्या कहा, प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मीन्स कहने का है कि अगर दो व्यक्ति आपस में टकरा रहे हैं तो उन्हें चोट क्यों लगती है, या तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति आता है और वह दूसरे व्यक्ति पर बल लगाता है तो दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति पर उतना ही बल लगाता है, ठीक है। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो इसे कहते हैं आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपने देखा होगा, जब हम पिस्टल से गोली को छोड़ते हैं तो गोली छूटने के बाद हमारे हाथों को पीछे की तरफ को क्या लगता है, धक्का लगता है। क्यों, ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण ही होता है। क्यों, क्योंकि जब गोली आगे को लगती है तो वो उतना ही फोर्स हमारे कंधे पर पीछे की तरफ को लगाती है, जिससे हमारे हाथ क्या होता है, या कंधा पीछे की ओर को जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके तीन नियम गति के, जिन्हें हमें आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट ने दिए थे, जिसमें हमने द्रव्यमान और जड़त्व को भी समझा। अब आप अगली वीडियो में संवेग संरक्षण के नियम को समझेंगे। थैंक्स।